देख रहे हैं न्याजी न्यूज़ और मैं हूँ सादिक इमाम न्याजी। और आज का जो मैं वीडियो यहाँ पे शूट कर रहा हूँ राजा मार्केट है, लेकिन यहाँ पे एक दुकान है, यहाँ पे मैं कुछ अपने काम से आया था और यहाँ पे कुछ देर में बैठा तो दो बच्चियाँ बैठी हुई थी, बात में इन लोग से मेरी बात हुई, बात करने के बाद क्या बात हुई और इन्होंने क्या बताया मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ आप सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे। और ये कहाँ की रहने वाली है, किस तरह से यहाँ पे आती है और अपने पढ़ाई को करती है, इनके साथ कैसी समस्याएं थी, कौन सी परेशानी थी, किन किन परेशानियों का सामना किया, मैं आज दिखाना चाहता हूँ कि हौसला इंसान को हो तो पढ़ सकता है, हौसला इंसान के पास हो आगे बढ़ सकता है, हौसला ऐसी चीज़ है कि अपने मंजिल तक इंसान पहुँच सकता है। तो आपकी मुलाकात मैं दो बच्चियों से करा रहा हूँ जो कि रोहतास गढ़ की रहने वाली है। न्याजी वीडियो की जानिब से मैं इन्हें सैल्यूट कर रहा हूँ और इनके हौसले को मैं सराह रहा हूँ और इन्हें मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो पढ़ने में इतनी एक्टिव हैं। आप खुद सुने इनसे, मैं उनसे मुलाकात कराता हूँ। जी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है शिवानी कुमारी। शिवानी कुमारी, और आपके पापा का नाम? पिताजी का नाम है विक्रम उराव। ये बताइए कि आप कहाँ पे रहते हैं, आपका घर क्या? मेरा घर नागा टोली है। नागा टोली की रहने वाली रोहतास से? यस। किला से कितना दूर आपका गांव पड़ता है? आधा घंटा का रास्ता है। कहाँ पढ़ती हैं? मैं जेम्स स्कूल नर्सिंग सिकरिया में पढ़ती हूँ। अच्छा, अभी क्या कर रही हैं आप वहाँ पे, क्या पढ़ रही हैं? अभी मैं एनएम का कोर्स कर रही हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन। वहाँ पे कब से रह रही हैं आप? मैं बचपन से ही हॉस्टल में रहती हूँ जी, और फिर उसके बाद टेंथ ख़त्म होने के बाद हम घर आए जी। तो घर आने के बाद स्थिति दयनीय था, फिर भी दयनीय होने के वजह से मतलब मैं साइंस लेकर पढ़ना चाहती थी, लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर था, फिर भी मतलब मेरे पिताजी बहुत कठिन के साथ हमको पढ़ाएं मतलब मेरे मंजिल को पूरा करने के लिए। उसके बाद हम आई एस सी ख़त्म किए तो आगे रास्ता नहीं दिख रहा था, नहीं दिखने की वजह से हम मतलब सोचे कि अब अपने ज़िंदगी में क्या करेंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि रोहतास आप कैसे अपने गांव पे कैसे आती हैं? हम लोग का रोड का तो सुविधा नहीं है, हम लोग बोलिया रोहतास से बोलिया जाते हैं टेम्पू से, लेकिन बोलिया से हम लोग घाट चढ़ते हैं। बोलिया से पहाड़ के ऊपर जाती हैं, कितने देर का रास्ता होगा वो? वो तो एक घंटा का रास्ता है। एक घंटे का रास्ता है, बहुत कठिन रास्ता है, मैं उस रास्ते से गया हूँ। वो कौन सा घाट है आपको मालूम है? खिड़की घाटी। खिड़की घाट है, और इस घाट का नाम मिर्रा घाट है, राजघाट है, घोड़ा घाट है, खिड़की घाट है। किला पर जाने के कई रास्ते हैं, लेकिन सबसे ख़तरनाक ये इस लड़की के गाँव तक का जो जाने का रास्ता है खिड़की घाट है। उस रास्ते से ये लड़की चलती है और यहाँ तक आती है, और फिर यहाँ से सिकरिया अपने स्कूल तक जाती है। एक और बच्ची यहाँ पे है। जी आपका नाम क्या हुआ? रेवंती कुमारी। रेवंती कुमारी हैं, और इनसे भी मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ कि आप इस वक्त कहाँ पढ़ रही हैं? जेम्स स्कूल नर्सिंग, एनएम का कोर्स कर रही हूँ। दोनों आप लोग एक साथ हैं? एक साथ ही हैं, बैचलर है। बैचलर है, एक गांव की रहने वाली है। यस। एक रूम में भी आप लोग रहती होंगी? नहीं, अलग अलग रूम में। अलग अलग रूम में रहती हैं, लेकिन एक गांव की है। एक गांव। आगे तुम्हारी सोच क्या है? और आगे चाहती हूँ कि और आगे पढ़ाई करूँगी, लेकिन अभी वैसा सुविधा नहीं है, लेकिन चाहती हूँ कि कोई और मदद मिले तो आगे हम पढ़ाई कर सकती। तो मदद की गुहार आप किससे लगाओगी? अब किससे अब नहीं पता, खुद मेहनत करेंगे। और आप उनसे क्या रिक्वेस्ट कीजिएगा, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं या और भी मंत्री पद पे हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, उनसे क्या मेरे चैनल के माध्यम से आवाज़ देना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव में स्कूल हो। ऐसे बहुत सारे ऐसी बच्ची है जो पढ़ती नहीं है, छोटी उम्र में शादी हो जाता है। हम लोग तो इतना चाहे अपने खुद से हम लोग मेहनत कर कर इतना तक आए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरे गाँव में और विकास हो, स्कूल खुले वहाँ पर, और जितनी बच्ची है उन लोग और शिक्षित हो, मेरा यही रिक्वेस्ट है। अच्छा, रोहतास गढ़ किला पर क्या क्या देखने के लायक है आपके यहाँ? बहुत बड़ा एक किला है, लेकिन और भी जगह देखे हैं, लेकिन मेरे किला जैसे वैसा कोई ऐसा नहीं है जगह, लेकिन उस जगह पे कोई आकर देखे कि वहाँ का देखने में क्या है। पहले कोई आकर तो देखे वो हम लोग का किला कितना अच्छा है। और किला के आस पास सुनते हैं कि बहुत ऐसे खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे हैं, झरने हैं। हाँ, झरना भी है, उसमें नहाने के लिए भी बहुत सुंदर है, उसमें घूमने वाला जगह भी है। ये रोहतास का जो किला है, हमें फख्र है और मैं नाज करता हूँ कि मैं अकबरपुर रोहतास का रहने वाला हूँ, जहाँ पे रोहतासगढ़ किला है। आपसे एक सवाल मेरा, आपके पेरेंट्स का इसमें कितना साथ था? मेरे मम्मी का था।
मम्मी चाहती थी। हाँ, मम्मी चाहती थी कि पढ़े। तुम्हारे लिए और बहुत ही दुआएं कि तुम पढ़ लिख कर हमारे इलाके का रोहतास जिले का नाम रोशन करो। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, बस मेरा रिक्वेस्ट है कि और भी कोई हेल्प करे तो आगे BSc नर्सिंग ये कर सकती हूँ। ये देखिए, बच्ची ने एक आपसे रिक्वेस्ट किया है। मैं चाहूँगा कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं और ये दोनों बच्चियाँ जो हैं, इनके हौसले के बारे में जो भी आपको लिखना हो वो हमें लिख सकते हैं। और आखिर में एक न्याजी वीडियो की गुजारिश है कि अगर अब तक चैनल को मैंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।